Hello students, I hope you all are doing well. This is our English grammar class. In this class, we will study the chapter 9, adverbs. Okay, adverb kya hote hain? The words that add the meaning of verbs are called adverb. Wo word jo verb mein, verb humne padha tha, verb kya hote hain? Doing words. मतलब कोई भी काम हो रहा है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस तरीके से हो रहा है या उसका वर्ब का मीनिंग बता रहे हैं कि वो इस तरीके से कर रहे हैं या वो लेट कर रहे हैं या जल्दी कर रहे हैं. मतलब जो भी वर्ड्स वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं. ठीक है, तो इसके सेंटेंसेस देखते हैं. जैसे द गर्ल्स आर सिंगिंग स्वीटली. गर्ल्स आर सिंगिंग, अगर इतना सा सेंटेंस होता तो यहाँ पे वर्ब क्या है बच्चों? सिंगिंग है. ठीक है, तो गर्ल्स जो हैं लड़कियां गाना गा रही हैं. ओके, अब वो किस तरीके से गा रही हैं? स्वीटली, मतलब बहुत ही प्यारा मीठा गा रही हैं. ठीक है, तो जो स्वीटली है वो क्या हो गया यहाँ पे बच्चों? एडवर्ब हो गया, मतलब वो जो वर्ब को वो डिस्क्राइब कर रहा है. ओके, द बॉयज आर सिटिंग पीसफुली इन देयर क्लास. बॉयज जो हैं वो शांति से क्लास में बैठे हैं. कैसे बैठे हैं? पीसफुली. तो यहाँ पीसफुली क्या हुआ? एडवर्ब हुआ. द ट्रेन इज रनिंग फास्ट. ट्रेन जो है वो तेजी से दौड़ रही है, चल रही है. दिस मैगजीन कम्स आउट वीकली. ये मैगजीन जो है वो वीकली आती है. द लायन इज फूलिशली जम्पिंग इन टू द वेल. तो जो भी वर्ड्स हैं वो जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं. In the above sentences, the word sweetly, peacefully, fast, weakly and foolishly show how the action is done. वो क्या बता रहे हैं ये सारे words? कि काम किस तरीके से हो रहा है. And they add to the meaning of the verb. और verb का meaning भी बता रहे हैं. मतलब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि verb क्या, काम क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स एंड इन ly. कई सारे एडवर्ब, मोस्टली एडवर्ब्स जो होते हैं वो ly से एंड होते हैं, मतलब लास्ट में l और y लगा रहता है. अब एडवर्ब्स के टाइप्स होते हैं, हम वन बाय वन उनके टाइप्स पढ़ेंगे. फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर. अब ये क्या होता है? तो पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर उससे हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है. द मंकी जम्प्ड अप प्लेफुली. मंकी जो है वो उछल कूद कर रहा है, खेल रहा है. द लिटिल गर्ल इज़ क्रॉसिंग द रोड सेफली. लिटिल गर्ल है, रोड क्रॉस कर रही है. कैसे कर रही है? सेफली. प्लीज़ एक्सप्लेन एवरीथिंग क्लियरली. आप हर चीज़ एक्सप्लेन करो क्लियरली, साफ साफ एक्सप्लेन करो. द सन इज शाइनिंग ब्राइटली. सन जो है वो बहुत तेजी से शाइन कर रहा है. द विलेजर्स सॉल्व देयर डिस्प्यूट पीसफुली. विलेजर्स ने अपने जो भी वाद विवाद थी वो शांति से सुलझा ली. ठीक है, तो द एडवर्ब्स पीस प्लेफुली, सेफली, क्लियरली, ब्राइटली एंड पीसफुली शो द मैनर इन विच अ पर्टिकुलर एक्शन इज डन. ये क्या एक तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है. सो दे आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर, इसलिए इनको एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है. एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर द क्वेश्चन हाउ. एडवर्ब ऑफ मैनर किस क्वेश्चन का आंसर करते हैं? हाउ, मतलब काम किस तरीके से हो रहा है, हाउ. ओके, सेकेंड है हमारा एडवर्ब्स ऑफ टाइम. पहले सेंटेंस रीड करेंगे फिर इसके बारे में पढ़ेंगे. मदर ऑफन कुक्स राइस इन द इवनिंग. मदर जो है वो कभी कभी इवनिंग में राइस बनाती हैं. रवीना इज ऑलवेज हेल्पफुल टू हर फ्रेंड. रवीना अपने फ्रेंड्स की हमेशा हेल्प करती है. ही विल फिनिश हिज वर्क टुमारो. वो अपना काम कल तक खत्म कर देगा. मनीष वी शैल गो टू आगरा डे आफ्टर टुमारो. वो कह रहा है मनीष हमें कल आगरा जाना है. डे आफ्टर टुमारो मतलब कल के बाद, परसों मीन्स. सुगम अराइव्ड लेट. सुगम लेट आया. दे विल रीच सून. वो जल्दी पहुंच जाएंगे. तो इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स ऑफन, ऑलवेज, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, लेट, सून टेल्स व्हेन द एक्शन इज डन. तो एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या बताते हैं? टाइम बताते हैं कि कब वो काम हुआ. एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या बताते हैं? कैसे हुआ. और एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या बताएंगे? कब हुआ. तो ये किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं? व्हेन, मतलब व्हेन यानी क्या होता है? कब. तो जब ऐसा क्वेश्चन आए कि व्हेन दिस हैपन, तो मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम आ रहा है वहाँ पे. ठीक है,
तो दीज आर देयर फॉर द एडवर्ब्स ऑफ टाइम, इसलिए इनको एडवर्ब ऑफ टाइम कहा गया है. द एडवर्ब दैट टेल अस व्हेन द एक्शन इज डन आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम. तो जो एडवर्ब हमें ये बताते हैं कि वो काम कब हुआ है उन्हें एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है. एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर द क्वेश्चन व्हेन. एडवर्ब ऑफ टाइम क्या क्वेश्चन का आंसर करते हैं? व्हेन, यानी कब हुआ. नाउ एडवर्ब ऑफ प्लेस. अब देखिए इसके सेंटेंसेस पढ़ते हैं. रमन इज वॉचिंग बर्ड्स अप स्टेयर. रमन ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके वो वॉच बर्ड्स को देख रहा है. द गर्ल्स आर डांसिंग डाउन स्टेयर. गर्ल्स जो है वो नीचे डांस कर रही हैं. द बॉय इज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स आउटसाइड. जो लड़का है वो अपने फ्रेंड के लिए बाहर वेट कर रहा है. माय फादर हैज़ गोन आउट. मेरे फादर बाहर चले गए. दे लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर. वो उन्हें हर जगह देख रही हैं. तो इन दीज सेंटेंसेज अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, आउटसाइड, आउट एंड एवरीवेयर इंडिकेट द प्लेस वेयर द एक्शन इज डन. तो यहाँ इन वर्ड्स में क्या बता रहे हैं? ये वर्ड्स प्लेस को इंडिकेट कर रहे हैं कि कहाँ पे काम हो रहा है. ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस ये बताते हैं कि कहाँ पर काम हो रहा है. और ये किस क्वेश्चन का आंसर करेंगे? वेयर, मतलब कहाँ काम हो रहा है. ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर बताते हैं हाउ, किस तरीके से काम हुआ. देन एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन, कब हुआ और किस जगह हुआ, मींस वेयर. नाउ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. अब डिग्री क्या होता है? द गर्ल इज वेरी प्रिटी. ये लड़की बहुत सुंदर है. द मैन इज क्वाइट स्ट्रांग. मैन बहुत ताकतवर है. द प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट कम्प्लीट. ये प्रोजेक्ट लगभग कम्प्लीट हो गया है. ही इज एन अटर फूल. तो यहाँ पे द वर्ड्स वेरी, क्वाइट, ऑलमोस्ट एंड अटर शो द डिग्री ऑफ द एक्सटेंट टू विच एन एक्शन इज डन और समथिंग इज प्रेजेंट. दे आर देयरफॉर एडवर्ब ऑफ डिग्री. ये क्या बताते हैं कि मतलब कुछ मात्रा बताते हैं कि कितना हुआ. ठीक है, मतलब हाउ मच. वेरी प्रिटी, बहुत ज़्यादा प्रिटी है. ऑलमोस्ट, मतलब लगभग कंप्लीट हो गया. तो मतलब कुछ ये इंडिकेट करते हैं कि काम कितना हुआ है. तो मतलब एडवर्ब ऑफ डिग्री आंसर द क्वेश्चन हाउ मच. ये किसका आंसर करते हैं? हाउ मच, कि क्या काम कितना हुआ है. ठीक है, तो आई होप सो आप सभी को ये समझ आए होंगे. इनको पढ़ के देखना, एक बार रीडिंग करना, उनको समझने की कोशिश करना. ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज मैं आपको फिल करके सेंड करूँगी. वो आपको अपनी बुक में फिल करना है. और आपको अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे क्लियर करें. थैंक यू सो मच एवरीवन.